न्यूज़ खबरों की नई पहचान। भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई द्वारा घोषित एक दिवसीय महाधरना में गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों लोग जुटे। महाधरना कार्यक्रम में वक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका भेजे जाने के पीछे के षड्यंत्रकारियों को प्रशासन पर बेनकाब करें, जिससे कि आम लोगों को सही तथ्यों की जानकारी मिल सके। महाधरना में पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार कांग्रेस पार्टी से गठजोड़ कर उनके पति संजीव सिंह की हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं, जिसके तहत उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मंसूबा कामयाब नहीं होने पर उन्हें एक सुनियोजित साजिश के तहत दुमका जेल शिफ्ट किया गया है, ताकि वहां पर हेमंत सोरेन के निर्देश पर उनके पति संजीव सिंह की हत्या की साजिश को क्रियान्वित किया जा सके। वहीं पूर्व में चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन के किस पदाधिकारी के दबाव में धनबाद जेल अधीक्षक ने पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट करने का निर्णय लिया, जबकि कोर्ट में न्यायालय में मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है। ऐसे में बगैर किसी आरोप के भाजपा नेता और पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल भेजा जाना निंदनीय तथा जांच का विषय है। जनता मजदूर संघ के नेता छोटे भाई सैलो पासवान जी से भी आवे अपनी बात अध्यक्षता कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी एवं सभा का संचालन कर रहे हैं भाई साहब, एवं इस सभा में जनता मजदूर संघ संयुक्त महामंत्री सिद्धांत गौतम जी एवं देखिए प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि इस तरह का स्टेप उठा सके। वजह रही ये निश्चित रूप से सरकार इस तरह के गलत निर्णय कार्यों का दुरुपयोग कर रही है, और ये जांच का विषय है कि जिला प्रशासन और धनबाद जेल प्रशासन पे किनका दबाव पड़ा, किनके फोन वहां आए और किनके फोन के दबाव में ये कार्रवाई हुई, और जिससे ये स्पष्ट होगा कि ये षड्यंत्र कहां से रचा गया और षड्यंत्रकारी जल्द बेनकाब होंगे।